तो हेलो दोस्तों, न्यू बॉर्न टेक की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया है कि एलईडी लाइट है, एलईडी बल्ब्स वो कैसे वर्क करते हैं। आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि आखिर इनके अंदर होता क्या है जो ग्लो करता है, कैसे पावर ट्रांसफ़र होती है, क्या मटेरियल है जो ग्लो करता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, एलईडी बल्ब के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ ग्लो होती है, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, और जो कलर एलईडी बल्ब होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है जो वाइट एलईडी बल्ब होता है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एलईडी बल्ब का ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये बिल्कुल ही सिंपल है। एक लाइन में मैं इसको डिफाइन करूंगा और आप एक ही लाइन में समझ जाएंगे। एक मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक तो कंडक्टर होते हैं, एक इंसुलेटर, एक सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर कुछ कंडीशंस पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और कुछ कंडीशंस पे इलेक्ट्रिसिटी पास वो होने नहीं देते। तो कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है और जिनको जब पावर दी जाती है, जब उनको पावर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो ग्लो होते हैं। बस इतना सा प्रिंसिपल है। जो वाइट एलईडी बल्ब होता है उसमें इंडियम गैलियम नाइट्राइड नाम का एक सेमीकंडक्टर है जो कि यूज़ किया जाता है। वो उस सेमीकंडक्टर को प्लेस किया जाता है प्लास्टिक के एक होल के अंदर। होल आप समझ सकते हैं एक प्लास्टिक का ढांचा जिसके अंदर उस मटेरियल को डाला, उसके बाद उसमें वायर लगा दिए प्लस माइनस के, और जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो ग्लो हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, बिल्कुल सिंपल। और जो कलर एलईडी बल्ब है, अब बात कर रहे हैं कलर एलईडी बल्ब्स की कि उनमें कलर्स कैसे होते हैं। तो उसमें मटेरियल को चेंज किया जाता है, उस मटेरियल में कुछ डिल्यूशन या कुछ भी थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाता है ताकि उस जो मटेरियल है उसका कलर चेंज हो जाए। उन मटेरियल्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या स्क्रीन पे भी आ रही होगी, देख लीजिए आप कौन से कलर के लिए कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है। बस यही मटेरियल को जब रिप्लेस कर दिया जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद जब उनको पावर दी जाती है तो जो मटेरियल है उस हिसाब से कलर ग्लो होता है। उस मटेरियल को अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फिल कर देंगे तो एलईडी बल्ब ज़्यादा वोट का हो जाएगा और ज़्यादा ग्लो करेगा, कम होगा तो कम वोट का होगा, कम ग्लो करेगा। बस बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है। आपको इस वीडियो से इस प्रिंसिपल के बारे में पता लग गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।